की आपके अकाउंट्स और टैली ट्रेनर। फ्रेंड्स आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास 11th हो अकाउंट्स का या टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं चलाना उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है कि सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, देन टैक्स भी रिड्यूस होता है। तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे मेरे स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए ताकि आपके लिए आसान हो जीएसटी समझना। तो है क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट? मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट। मींस अगर आप व्यापारी हैं, आप सामान खरीदते हैं और अपनी जेब से टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सामान अपने पास लाने के बाद उसे हम क्या करें, कस्टमर को बेच रहे हैं, तो कस्टमर से हम टैक्स वसूलते हैं। तो जो भी टैक्स हम कस्टमर से लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो मुझे भारत सरकार को देना रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को देने से पहले हम बताएंगे ना कि मैंने भी अपनी जेब से जब इस सामान को खरीदा था तो मैंने भी अपनी जेब से टैक्स दिया था। तो जब सामान हम सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना, एंड जब सामान हम खरीदते हैं जो टैक्स हम पे करते हैं दैट इज इनपुट। तो आउटपुट से इनपुट हमारा लेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टैक्स। क्यों? क्योंकि टैक्स आपने पे किया है, और जब आउटपुट से आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से लेस करते हैं। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम लेना। Means GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from customer on sale of goods and services. Means जब हम सामान खरीद रहे हैं या services ले रहे हैं तो जो tax हम pay कर रहे हैं वो GST pay करते हैं, लेकिन फिर बाद में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। तो सीधे से इन अ सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं जीएसटी पे टर्म एज इनपुट जीएसटी। जो हमने सामान खरीदा है उस पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ, उसे सेट ऑफ किया जाता है, उसे रिड्यूस किया जाता है कहां से, अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड टर्म एज आउटपुट जीएसटी। मींस जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को हम सेट ऑफ करते हैं, इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो एंट्रीज के साथ समझेंगे, हमने जो अकाउंटिंग एंट्रीज ले रखा है वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई के लिए रखा है। इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द रेट 18%। अगर गुड्स या सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं देन सेल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? तो पहला सिनेरियो ले रखा है मैंने परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख का, तो अभी तक हम लोग एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक या क्रेडिटर्स, लेकिन अगर जीएसटी लगा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिया इनपुट सी जीएसटी। 1 लाख का 18% 9000 आता है, तो टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट 1 लाख का 9000 9% आएगा, मीन्स 18% 19% इंटरेस्ट रेट, मीन्स विद इन स्टेट के अंदर के ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो टू बैंक करेंगे, या फिर उधार खरीद रहे हैं तो टू क्रेडिटर्स करेंगे, एंड फिर हम अपनी जेब से 1 लाख नहीं देंगे, सप्लायर से हम खरीद रहे हैं तो 1,18,000 देंगे। तो ये हमारी क्या है, इनपुट जीएसटी मैंने डेबिट किया, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है, अगर इसी गुड्स को बेचते हैं, मीन मैंने ए 1 लाख का सामान खरीदा एंड 10,000 प्रॉफिट मार्जिन लगा के इसे सेल करें 1,10,000 में, अब सेल करेंगे तो कस्टमर से टैक्स लेंगे, नगद खरीद रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, उधार अगर बेच रहे हैं तो हम लोग अपने कस्टमर को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो गुड्स पाने वाला है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स अकाउंट, मेरे पास से गुड जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब 1,10,000 का जो गुड जा रहा है उसमें हम कस्टमर से टैक्स भी लेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 9% 9900, आउटपुट एसजीएसटी 9% 9900। मींस जो हम सामान सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को उनसे हम 1,10,000 ना लेके टैक्सेस ऐड करके 1,29,800 लेंगे, राइट। तो ये हमारा आउटपुट सीजीएसटी मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया। अब इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे वो देखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने सेल किया था तो आउटपुट टैक्सेस को क्रेडिट किया था, अब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे,
और जब हमने सामान खरीदा था उस पर टैक्स दिया था, मेरे लिए खर्चा था, मैंने डेबिट किया, उसे सेट ऑफ करना है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो टू इनपुट सी जीएसटी 9000, टू इनपुट एस जीएसटी 9000, मतलब आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था 9900 लेकिन अपनी जेब से दिया था 9000, तो सिर्फ हम 9000 एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 9000, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 9000, टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट 9000, टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट 9000। ये हमारा 9000 से वहां इनपुट डेबिट था, यहां क्रेडिट अकाउंट क्लोज, वहां पे आउटपुट हमारे क्रेडिट थे, यहाँ पे 9000 से डेबिट करके अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 900 बचा है, जो बचा है वो हमारा क्या है, वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे भारत सरकार को देना है। तो नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट, 900 जो टैक्स हमारी लायबिलिटी बची हुई है वो भारत सरकार को पे करना है। तो एंट्री हो जाएगी आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 900, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 900, टू बैंक 1800, ये गवर्नमेंट को पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यही एंट्री मैंने कंपाउंड में भी किया है एडजस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट को पेमेंट करने के, तो आप कंपाउंड भी कर सकते हैं। आउटपुट सी जीएसटी डेबिट 9900, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 9900, टू इनपुट सी जीएसटी 9000, टू इनपुट एस जीएसटी 9000, टू बैंक अकाउंट 1800, मतलब पूरा का पूरा आउटपुट का जो बैलेंस था वो लेकर आए, इनपुट से एडजस्ट किया, आउटपुट से इनपुट को एडजस्ट किया, जो रिमेनिंग आउटपुट बचा वो मेरी लायबिलिटी, वो मैंने भारत सरकार को पे कर दी है, तो टू बैंक करके पे कर दी है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ में आया होगा आईटीसी का फंडामेंटल्स, कि कैसे आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।